वेलकम टू माय चैनल सिविल एमडीएस फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक पेज किस तरह प्लेन स्विफ्ट में ऐड किए जाते हैं। मतलब वर्किंग के दौरान कोई भी पेज गलती से आपके पास डिलीट हो जाता है या अपलोडिंग के दौरान कोई पेज ऐड नहीं होता, तो उसको आप किस तरह अपलोड कर सकते हैं। तो पेज में क्लिक करने के बाद ये प्लस का निशान ऐड पेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप फ्रॉम इमेजेस फाइल पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो ये देखें, इधर जहाँ भी उस फाइल में चले जाएं आपने, जहाँ पे वो ड्राइंग रखी होगी, मेरे पास ये रूफ बीम लेआउट वाली मौजूद नहीं थी, तो मैंने क्लिक की, नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करें, इसको वैसे ही रहने दें। तो फिनिशिंग पे क्लिक करें तो ये देखें, हमारे पास ये मेरे पास रूफ बीम लेआउट का पेज आ गया है। तो इसमें मैं आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकता हूँ। इसी तरह आपने जितने भी पेज आपके मिस हो गए हों या बाद में कोई एडिशन होती है, एडेंडम आ जाता है ड्राइंग्स में, तो चेंज करवाते हैं लोग, तो वो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप अपना ब्लैंक पेज भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैंक पेज पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, तो इधर से आप अपनी ड्राइंग की डायमेंशन, विड्थ, हाइट, जो पहले से मौजूद ड्राइंग्स हैं उसके मुताबिक आप रख सकते हैं। उसी के मुताबिक आप इसको स्केल भी दे सकते हैं, जो भी आप इसे स्केल देना चाहें। तो यहाँ से ऊपर आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं पेज का। तो ये करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ब्लैंक पेज ऐड हो गया है। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ।